भिगोके दिल को हिला कर चले गए आके, भिगोके दिल को हिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। मंजर अपने माथे की निगाहों से इंशाल्लाह देखेंगे। सरकार शोहिर मिल्लत की आमद होने वाली है। मैं मौका गनीमत को पेश नजर रखते हुए एक मतलब दो शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह जगह लेता हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। दो फादे इकराम मदरसा हादा से फरागत हासिल कर रहे हैं, उनका पुरका मंजर आप देखिएगा, इंशाल्लाह दिल बाग बाग होगा। ये शेर सुनिएगा, जरा मचल के और कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजल खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, बेशक हक है। उनके वालदैन के लिए, उनके अज़ीज़ अक़रबा के लिए मुबारकबाद है। फजल खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, फजल खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, फजल खुदा से साहिब नसीब हाफिज कुरान हो गया, जो नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम मद्दाए रसूल इस्लाम निजामी साहब क़िबला। बहुत एक शेर इन उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। अगर यही मुस्कुराहट है तो कोई आदमी दूसरे अंदाज से कह दे या रसूल अल्लाह, फिर जिसका भी बेटा नाफिज कुरान हो गया और उसको चला सके बिना दो उसको जला सकेगी ना तो सकी आग भी, उसको जला सकेगी उसको जला सके महफूज जिस कसीने में कुरान हो गया, महफूज जिस कसीने में कुरान हो गया, महफूज जिस कसीने में कुरान हो गया। और हदीस पाक का एक मफहूम और पेश करता हूँ, मनादा फरमाए के दस ऐसे आदमी को
अरे यार सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो उलमाए इकराम की तकरीर आपने नहीं सुनी है कि अगर बामल हाफिज कुरान है तो खानदान के 10 लोगों को बगैर हिसाब किताब जन्नत मिले जाएगा। बेशक खुश होकर कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस ऐसे आदमी को वो जन्नत दिखाएगा, जिस ऐसे आदमी को वो जन्नत ले जाएगा, करता हूं समाप्त फरमाए कि वो माँ ओ बापू हश्र के दिन होंगे ताजदार, वो माँ ओ बापू हश्र के दिन होंगे ताजदार, वो माँ ओ बापू हश्र के दिन होंगे ताजदार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।